हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, इसके पास्ट, इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो पिछले 20 साल से इंडियन मार्केट में बिकती आ रही है, मार्केट पर राज कर रही है और अपने सेगमेंट के टफ कॉम्पिटिटर को इसने अच्छे से चुटकी बजाते ही गायब कर दिया, सबके बारे में बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं, लेकिन आप भी जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप जल्दी ही बोर हो जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को दो पार्ट में रिलीज़ करूं। एक ये पहला पार्ट है, अगर आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं दूसरा पार्ट भी जल्दी रिलीज़ कर दूंगा। तो स्कॉर्पियो की स्टोरी स्टार्ट होती है सन 1990 से, जब महिंद्रा एक व्हीकल असेंबलर थे, मतलब महिंद्रा दूसरी कार ब्रांड की कार्स को असेंबल करते थे। तो उन्होंने उस टाइम पर ज्वाइन किया था फोर्ड को, यानी कि फोर्ड के साथ उनकी पार्टनरशिप थी और फोर्ड के ट्रैक्टर्स को असेंबल करते थे और फोर्ड उन ट्रैक्टर्स को इंडिया में बेचते थे। तो उस टाइम पर फोर्ड ने अपनी एकॉर्ड को लॉन्च किया था, जिसका प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में ज़्यादा कुछ खास नहीं बिकी। और उस टाइम के अराउंड महिंद्रा की ऑफ रोडिंग वाली जीप्स भी आया करती थी, जिसमें मस्त ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज भी थी, लेकिन हर बंदा ऐसी गाड़ी को चला नहीं सकता। तो महिंद्रा को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो हर बंदा चला सके, यानी कि ऑफ रोडिंग भी कर सके और नॉर्मल रोड्स पर भी चल सके। लेकिन उस टाइम टाटा भी प्रोग्रेस पर थे, कमर्शियल यूज़ के लिए टाटा की बस और टाटा की ट्रक्स काफ़ी अच्छे खासे बिकते थे। और अगर गाड़ियों की बात करें तो उस टाइम पर टाटा की सियारा जैसी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और मारुति सुजुकी की मारुति 800 भी काफ़ी बढ़िया बिक रही थी। तो आनंद महिंद्रा भी चाहते थे कि उनकी भी ऐसी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो जैसे टाटा एंड मारुति की है। तो सन 1993 में क्या हुआ, पवन गोयनका जो महिंद्रा के MD रह चुके हैं, हालांकि अब तो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने महिंद्रा को ज्वाइन किया। वो GMA एंड अमेरिका में काम करके आए थे और अब उन्होंने महिंद्रा को ज्वाइन किया था और उन्हें ऑटोमोटिव की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी और उस टाइम पर एलन ड्यूरेंडे की कंपनी में एज अ डिज़ाइनर काम भी किया था। तो सन 1997 में प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया। अब ये एक नया प्रोजेक्ट था, ये एक यूटिलिटी व्हीकल होम होने वाला था, जिसमें आपको ऑफ रोडिंग के लिए 4x4 मिलता था, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिलती थी और सिटी में भी इस गाड़ी को अच्छे से भगाया जा सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो 1998 में स्कॉर्पियो का ब्लूप्रिंट भी रेडी हो गया था और इस वक्त और सब कुछ डिसाइड कर लिया था, जैसे कि गाड़ी का प्राइस क्या रहने वाला है, यूनिक क्वालिटीज क्या रहने वाली हैं, जैसे कि इंजन, फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जो कुछ भी है, और किस टाइप के मार्केट को ये गाड़ी हिट करने वाली थी। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि इस प्रोजेक्ट को सस्ता होना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा उस टाइम पर बहुत बड़ी कार कंपनी नहीं थी। तो देखा जाए महिंद्रा का बजट इशू था और उन्हें कम खर्चे में ज़्यादा चर्चा चाहिए थी। और इस प्रोजेक्ट को सस्ता रखने के लिए महिंद्रा ने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका नाम था IDAM। इसका मतलब होता है इंटरोगेट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चराइजिंग, जिसमें क्या होता है ब्रांड काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग करते हैं, क्योंकि एक गाड़ी बनाने में काफ़ी सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे जो हेडलैम्प है वो कोई और कंपनी से बनाते हैं, जो पेंट है वो किसी और कंपनी से कराते हैं। ऐसे डिफरेंट कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, जिससे पार्टनरशिप में काम होता है और काफी सस्ते में ये काम निबट जाता है। यू आर चालाक ब्रो, बहुत चालाक। जिससे महिंद्रा को जो मशीन्स का खर्चा है वो भी बच जाता है और लेबर का खर्चा भी बच जाता है और गाड़ी काफी सस्ते में तैयार हो जाती है। तो जो एलन ड्यूरेंडे हैं उन्होंने बताया जो उनकी इनिशियल आइडियोलॉजी थी इस गाड़ी को डिजाइन करने में, कि एक 10-सीटर कार लेना और उसे एक्सटेंड करके 13-सीटर में कन्वर्ट कर देना, जिससे कंपनी की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बन पाए, ताकि जो गाड़ी की IND कॉस्ट है वो भी कम रहे। और ये सब कुछ पहले से डिसाइड था, लेकिन एक दिन एलन ड्यूरेंडे महिंद्रा को फ़ोन करते हैं और उन्हें डिज़ाइन ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देनी है और कुछ बात करनी है, कुछ दिखाना है। तो महिंद्रा सर जैसे ही डिज़ाइन ऑफिस पहुंचते हैं तो पूरे प्लान में, पूरी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे ही आनंद महिंद्रा डिज़ाइन ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर एलन ड्यूरेंडे महिंद्रा सर को 7-सीटर SUV का प्रोटोटाइल दिखाते हैं। और मज़े की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस टाइम पर इस डिज़ाइन को 26 साल के एक IITian ने बनाया था
और ये 7-सीटर SUV आनंद महिंद्रा सर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और फिर उन्होंने पवन गोयनका और एलन ड्यूरेंडे को एक सवाल पूछा कि अगर हम इस 7-सीटर वाली गाड़ी को बनाते हैं और जो हमारी पिछली आइडियोलॉजी को ख़त्म करते हैं जिसमें हम 10-सीटर को 13-सीटर तक एक्सटेंड करने के बारे में सोच रहे थे, तो इसमें कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। और फिर जो एस्टिमेट लगाया गया तो जो कॉस्ट आई वो थी 550 से 600 करोड़ के बीच में। अब क्योंकि महिंद्रा का ये पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो उन्हें उनकी फर्स्ट आइडेंटिटी बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, तो महिंद्रा सर इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और तब जाके इस 7-सीटर SUV यानी कि अपनी स्कॉर्पियो को ग्रीन लाइट मिली। इसके बाद 5 साल तक लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए लगभग 120 बंदों के आसपास की टीम थी जो इस गाड़ी के डिज़ाइन में लगी थी, इस गाड़ी को मैकेनिकल फंक्शन में लगी थी, अपने सप्लायर से एकदम कोलैबोरेट होके गाड़ी को डिज़ाइन करने में लग गए और फाइनली 20 जून 2022 में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया गया। इस गाड़ी का लॉन्च होता है अराउंड 5.5 लाख एट शोरूम इंडिया के प्राइस में। लेकिन दोस्तों गाड़ी तो लॉन्च हो चुकी थी लेकिन इसके सेगमेंट में काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इससे भी पहले से बिक रही हैं, तो उनमें भी तो कुछ बात होगी तभी तो लोग उसे खरीद रहे हैं। तो क्या यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा ही कड़ा था और क्या कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ी लॉन्च होने के बाद भी स्कॉर्पियो को, उन सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।